गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सिक्स लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लगभग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरा कर लिया है और थ्योरी के हिसाब से ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक्सरसाइज बचेगी, एक्सरसाइज भी हम आज स्टार्ट कर लेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसके। एंड आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछली बार हमने थोड़ा स्टडी भी किया था हीट के साथ में, और उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एंड यूनिट क्या होता है, जैसे घर में जो बिल आता है यूनिट वाइज आता है ना, कितनी यूनिट बिल आता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकालेंगे आज। एंड उससे पहले आपका बुक में एक थ्योरेटिकल पोर्शन छोटा सा दे रखा है, एक पोर्शन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, देखिए हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो एक तरह से आप मानिए कि उसका ऑड है, उसकी बुराई है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना, उसको हमें नहीं चाहिए। लेकिन वही बुराई कभी कभी हमारे काम आती है, जैसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनके लिए वो हीट काफ़ी काम की, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, लॉन्ड्री आयरन जो होती है, टोस्टर, हीटर, गीज़र वगैरह, ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करते हैं। इनके अंदर कॉइल लगी होती है, कॉइल एलॉय वगैरह किसी मटेरियल के बनी होती है, जैसे ज़्यादा करंट, जितनी ज़्यादा करंट पास करते हो उतने ज़्यादा वो हीट होते हैं और हमको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये सारे अप्लायंसेस के एप्लीकेशन हो गए, ओके। उसके बाद इसका अप्लायंसेस है बल्ब, इसका एप्लीकेशन एक है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं, जैसे बल्ब नॉर्मल बल्ब आपने देखा होगा घरों के अंदर कैसा होता है, इस शेप टाइप का होता है, अंदर फिलामेंट लगा होता है ऐसे, ठीक है, और बाहर ये ग्लास का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, इसी तरह का होता है, और ये फिलामेंट होता है, देखा होगा कभी आपने। अब ये फिलामेंट जब ब्रेक हो जाता है हम कहते हैं बल्ब उड़ गया ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि कोई भी हर मटेरियल का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि कितने मेल्टिंग पॉइंट पर, कितने टेम्परेचर पर वो मटेरियल मेल्ट होना शुरू करेगा। जैसे आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, पॉइंट कीजिएगा ये मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है टंगस्टन का, 3380 डिग्री, मतलब कि इतना टेम्परेचर इस पर अप्लाई करोगे तब जाके ये मेल्ट करना शुरू करेगा, ठीक है, उससे पहले ये मेल्ट नहीं करता। और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आप नॉर्मली बल्ब का टेम्परेचर कितना मानेंगे, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है उससे दो गुना या तीन गुना ज़्यादा मान लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ये बल्ब का टेम्परेचर नहीं जाता। फिर भी ये इतना थिन फिलामेंट होकर भी ये ब्रेक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है, कितना लूज होता है देखा आपने, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको इसके अंदर यूज़ में लेते हैं। बाकी बल्ब के अंदर कुछ गैसेज भी होती है, गैसेज का मिक्सचर होता है जो कि कलरफुल, ये जैसे हम बल्ब पे येलो लाइट वगैरह होती है, नियॉन वगैरह इसके अंदर गैसेस होती है, ऑर्गन नियॉन वगैरह, ठीक है। तो मेन काम इसका हीटिंग का क्या है, इस फिलामेंट को हीट करना जिससे हमको लाइट प्रोवाइड होती है। तो इसका एक और एप्लीकेशन ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, इसको जूल्स लॉ का एप्लीकेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। और एक और एप्लीकेशन अच्छा सा आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, घरों में आपने फ्यूज देखा है, ओल्ड फ्यूज आपने, आप में से किसी ने देखा हो शायद। सो ओल्ड फ्यूज किस तरह के होते थे, किसी भी एक ओल्ड फ्यूज को आपने देखा हो तो उसका बेसिक प्रिंसिपल कैसा होता है समझिए, जैसे कि ये बाहर का एक पिन ऐसा होता है, जैसे सेल आप मानिए कि स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल टाइप की इतनी पट्टी होती है, और उसको निकाल लेते हैं और अंदर ऐसे इसी का स्लॉट बना होता है, समझे कि नहीं। अब ये जो ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर फिल होता है, और इस पोर्शन में इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कॉपर के वायर को हम बिल्कुल कस के बांधते हैं, इतना लूज बिल्कुल नहीं रखते हैं, इसको बिल्कुल भी लूज नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि लूज रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें अवॉइड होता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी लूज नहीं रखते। तो ये फिलामेंट ये ऐसे कैसे इसके ऊपर इसके अंदर अटैच किया जाता है जिससे करंट इसके थ्रू फ्लो करती है। अब ये कॉपर का वायर जितना टाइटली हम बांधते हैं वो इसलिए बांधा जाता है क्योंकि ये कॉपर का वायर मेल्ट नहीं करता है, कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर एक्सेसिव करंट आती है ना, जैसे सर्किट यहाँ से आता है इस तरह से,
करंट इस तरह से आती है और ये फ्यूज से होकर जाती है आगे सर्किट को। अब करंट इससे होकर जाती है, अगर करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से जाना जाती है तो ये जो वायर हमने बांध रखा है टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, मेल्ट नहीं होता है, प्लीज नोट करें, ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ये ब्रेक होता है ये सर्किट को ओपन कर देता है, सर्किट को ओपन करना मतलब जैसे ये सर्किट है ना, जैसे ये सर्किट है, अब सर्किट को ओपन करने का मतलब क्या, ये बैटरी लगी है, सर्किट को ओपन करने का मतलब यहां से सर्किट अभी क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, अब सर्किट ओपन होने का मतलब यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये घर के अप्लायंसेस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है फर्स्ट थिंग, जो कि घर के अप्लायंसेस को सेफ्टी प्रोवाइड करता है एक्सेसिव या ओवरलोडिंग करंट से, ठीक है। अब वो करंट कैसे आती है, और इसी फ्यूज का एडवांस वर्जन MCB होता है, घर में लगा होता है ना, उसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो सेम टू सेम इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी काम करता है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन उसका काम बिल्कुल यही है। अब देखिए, अब इसमें क्या फ्यूज में क्या दिक्कत है कि बार बार आपको ये जो फ्यूज का वायर है अभी ब्रेक हुआ, फिर से आप इसको स्लॉट को बाहर निकालिए, कोई कॉपर का वायर लीजिए, फिर से इसको यहाँ इसके बीच में बांध दीजिए, ठीक है ना। अब ऐसा हो कि अब किसी दिन घर के अंदर दो से तीन बार लाइट चली जाए, क्यों जाए, क्योंकि एक्सेसिव करंट की वजह से, तो 2 से 3 बार आपको वायर चेंज करना पड़ेगा। जो MCB होती है उसके अंदर क्या होता है, वायर ब्रेक नहीं होता है, वो MCB ट्रिप हो जाती है, ट्रिप होने से क्या होता है, वो सर्किट ओपन हो जाता है, स्विच क्लोज हो जाता है, एक तरह से आप ऐसे देखिए स्विच क्लोज होगा, क्लोज मतलब जैसे हम फैन बंद करते हैं ना, वो क्लोज वाला, तो वो MCB क्या करता है, ट्रिप होता है तो सर्किट ओपन हो जाता है, ओपन होने से करंट आगे फ्लो नहीं करता है, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो फ्यूज का ही एडवांस वर्जन MCB होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप लोग समझ लीजिएगा बुक से, और थोड़ा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर पे आते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डू वर्क, पहले भी हमने पढ़ रखा है, हम पावर को फिजिक्स के अंदर किस तरह डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T, ठीक है ना। और अगर हमने बोला है कि W क्या आएगा, P2T, और हमने W को ही एनर्जी बोल रखा है, रेट ऑफ, तो एनर्जी भी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। यही एनर्जी यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं, और यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी पावर की वोल्टेज इंटू करंट। अब इसी के तीन फॉर्मूले कैसे बनते, जैसे हीट के बने थे। अब देखिए, V की जगह अगर मैं V की वैल्यू पुट करूँ तो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा, V की वैल्यू क्या होती है, IR, तो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा P = IR², ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर I की जगह मैं V / R की वैल्यू पुट करूं, सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तीन पावर के फॉर्मूले होते हैं, और इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हीट एनर्जी बन जाएगा, ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका है। अब सर ये कब काम में लेना, ये तब काम में लेना जब आपको रेजिस्टेंस की कोई नीड नहीं है, क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह कोई बात नहीं करी, उसको काम में लेंगे। इसको कब काम में लेंगे, जब वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वोल्टेज हमको नहीं पता है ना पूछा है, तो इसको काम में लेंगे। और इसको कब काम में लेंगे, जब करंट की ना पता है ना हमको पूछा है, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 एम्पियर 1 वोल्ट मैंने आपको हमेशा बोला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1-2 नंबर में आती है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या दे रखी है, 1 वोल्ट का मतलब पावर वोल्टेज इंटू एम्पियर करंट, तो वोल्टेज को कितना रखे 1 वोल्ट और करंट को भी कितना रखे 1 एम्पियर, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट की पावर बोलते हैं। और 1 वोल्ट की पावर इक्विवेलेंट किसके होती है, 1 वोल्ट एम्पियर के। ये भी यूनिट है सारी, बहुत सारी तरह की यूनिट होती है, जैसे फॉर्मूले में दे रखी है, कभी कोई और यूनिट दे रखी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। द यूनिट वॉट इज अ स्मॉल इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, इट इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। जैसे किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, तो यहाँ भी किलो वॉट का मतलब क्या है, 1000, और किलो वॉट को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। वॉट को कैसे लिखते हैं, W से, सो किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1000 का मतलब किलो होता है किसी भी यूनिट के लिए, ठीक है ना। तो किलो वॉट की फॉर्म में काम में लेते हैं, किलो वॉट की फॉर्म से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि अगर आप वॉट में लोगे तो बहुत ज़्यादा जीरोज लगेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। The unit of electric power is therefore, अब देखिए यहाँ से किलोवाट, यहाँ से अब यूनिट डिफाइन कर सकते हैं ना, जैसे एनर्जी की हमको यूनिट निकालनी हो तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब पावर की यूनिट क्या आ गई, किलोवाट,
और टाइम की यूनिट अगर अपन आर में रखे, क्योंकि किलोवाट आ रहा है पावर, तो वो आर में आएगा, बहुत ज्यादा पावर है तो उसको आर में कंसिडर करते, तो हम एनर्जी के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं किलोवाट आर या वाट आर, ठीक है, वाट आर भी बोल सकते हो, किलोवाट आर भी बोल सकते हो। तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर, और बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आपसे ये। ओके नेक्स्ट, अब ये मेन पोर्शन कैलकुलेशन का, जैसे हम एक वन यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो समझा रखा है। देखिए द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आर। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है कि बिल वगैरह फाइंड करने के लिए, या फिर इंडस्ट्री वगैरह के अंदर बिल से बिलिंग कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए हम इसको काम में लेते हैं। अब देखिए एनर्जी जो होती है वो वाट की फॉर्म में होती है, ठीक है ना, एनर्जी जो होती है जूल की फॉर्म में होती है, वाट में पावर आएगी। अब जूल में एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक यूनिट सिस्टम बना रखा है, उस यूनिट सिस्टम को क्या कहते हैं कि एक यूनिट, जैसे आपने घर में देखा होगा एक यूनिट का बिल आता है, यूनिट के स्पेसिफिक रेट होती है और उसी के हिसाब से बिल आता है कि भाई आपका यूनिट का इस मंथ का सपोज 98 यूनिट का बिल आया है, तो भाई वन यूनिट का जो रेट होता है उसको 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे बिल आया। लेकिन वो 98 यूनिट के अंदर कितनी जूल एनर्जी है ना वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट, इसी को यूनिट कहते हैं। अब 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही सिंपल है, 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपको कभी भी कोई पूछे घर में जो यूनिट आ रही है, जैसे मैंने बोला 98 यूनिट बोला मैंने कि आपका इतना बिल आया, अब 98 यूनिट बोलने का मतलब है कि आपके घर का एनर्जी बिल कितना आया है, आपके घर में एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, 98 किलोवाट आर, मतलब 98,000 वाट आर, इतनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए तो 1 kWh, अब ध्यान से देखिए सभी की वैल्यू पुट कर ले, 1 ऐसे कैसे रहने दे, किलो किलो कितना होता है 1000, सही, वाट और किलोवाट लिखा है तो किलोवाट कितना हो जाएगा 1000 वाट। अब एक आर के अंदर, 1 आर के अंदर कितनी सेकंड्स होती है, 3600 जानते हैं, क्योंकि सेकंड के अंदर जब इसको वाट में लिया तो इसको सेकंड में लेना पड़ेगा ना ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कितना हो रहा है, 3620 इसके एंड 30 इसके। अब जब जीरो जिस तरह से आते हैं तो समझदार हो गए हम, 10th क्लास में आए हैं, तो हम क्या करते हैं इसको 10 की पावर के अंदर इस तरह से लिख लेते हैं, सही, जूल। अब जब 10 की पावर में लिखना शुरू कर दिया है तो इसको भी 10 से रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10^6। कैसे किया, 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.6 और 10 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 10^6। सो 1 kWh इज इक्वल टू कितना जूल एनर्जी होता है, 3.6 इंटू 10^6 जूल, मतलब 1 kWh के अंदर कितनी जूल एनर्जी होती, इतनी जूल एनर्जी होती है। अब आप सोचिए कि अगर 98 मैंने यहां पर लिखा है 98, अब 98 की जगह अगर बिल के अंदर ऐसे लिखा हो कि 98 इंटू 3.6 इंटू 10^6 जूल, तो आप कैलकुलेशन के अंदर फिर समझ रहे हो ना कैसे हो जाएगा, फिर कौन कैलकुलेशन करेगा इतनी बेटा। तो इसलिए हमने यूनिट सिस्टम बना रखा है कि एक यूनिट कितना होता है इतना होता है, मतलब इतनी यूनिट अगर आपके बिल एनर्जी कंज्यूम की है उसको मैं 1 यूनिट मान लूंगा। ये तो मैंने इसको कैलकुलेशन टाइप आपको समझाया। अब 1 kWh का मतलब क्या होता है, एक यूनिट बिल का मतलब क्या होता है समझिए। अगर 1000 वोट का कोई भी अप्लायंसेस, 1000 वोट का, 1000 वोट का कोई भी अप्लायंसेस अगर 1 आर के लिए ऑपरेट होगा, सपोज आप बल्ब मान लीजिए कोई, ठीक है ना, कोई बल्ब है वो अगर उसकी रेटिंग है उस पे लिखा हुआ, जैसे होता है ना 100 वोट के बल्ब होते हैं ना, 100 वोट के, देखिए आपने जो येलो वाले पहले आते थे, उसकी जगह सपोज कोई 1000 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। अब अगर उस 1000 वोल्ट के बल्ब को आप 1 घंटे तक कंटिन्यू चला के रखोगे 1 आर तक, तो जो बिल आएगा ना वो कितना आएगा बेटा, 1 यूनिट। बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना आप, ऐसे किसी भी घर के अप्लायंसेज का यूनिट आप काउंट करके और मंथली आप पहले से बता सकते हो उसका कितना बिल आएगा जितना आपने यूज किया। मतलब कि किसी भी एक 1000 वोल्ट के अप्लायंसेज को अगर आप 1 घंटे के लिए ऑपरेट करवाओगे तो वो बिल कितना देगा, 1 यूनिट का। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझा दिया और कैलकुलेशन भी समझा दिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और बहुत अच्छे नंबर आपको ये दिलवाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, चलिए। पहला, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 जनरेटर
द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। सिंपल सा पावर का क्वेश्चन है, गिवन क्या है, वोल्ट दे रखा है आपको, वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखी है, आपको पावर पूछा है, डायरेक्ट वी और आई रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है और करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि बेसिक से बेसिक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर थोड़े से बड़े क्वेश्चन आए आप लोग वहाँ कन्फ्यूज हो, इससे अच्छा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करना सीखे। तो पावर कितनी आ गई, 110 वॉट। वॉट की इक्विवेलेंट क्या होती है, जूल पर सेकंड, याद रखें। बिल्कुल कैसे होती है जूल पर सेकंड, जैसे पावर है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ठीक है। अब इसकी पावर क्या आपने यूनिट बोली है, यूनिट तो वॉट होती है। अब ध्यान से फॉर्मूले से देखिए, पावर इज इक्वल टू वॉट बाय टाइम, सॉरी वर्क बाय टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो ये भी इसकी एक यूनिट है जिसको मैं कन्वेंशन यूनिट बोलता हूँ, ठीक है ना, जूल पर सेकंड। तो कभी कभी आपको पावर जूल पर सेकंड में दे रखी हो और आप वहाँ सोच रहे लोगों की सर ये क्या चीज़ है, ये पावर है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखें प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट। अब 400 वॉट लिखा है तो आपको पता ही क्या चीज़ है, पावर दे रखा है। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, मतलब 8 घंटे पर दिन चलता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, मतलब एक महीना, एट रेट ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट आर। मतलब 1 किलोवाट आर, ये 1 किलोवाट आर दिख रहा है आपको, पर किलोवाट आर मतलब क्या, यूनिट, समझे कि नहीं। मतलब एक यूनिट का आपको कितना रुपया दे रखा है, 3 रुपया लग रहा है, और आपने ये जो रेफ्रिजरेटर है वो 400 वॉट की पावर का है और वो 8 घंटे पर दिन चलता है। कैलकुलेट करें, देखिए सबसे पहला तो एनर्जी निकाल लेते, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम ना। तो पावर कितनी है, 400 वॉट, और टाइम कितना, 8 आवर। तो पहले एक दिन का निकाल दें, एक दिन की पावर निकाल लेंगे, सॉरी एनर्जी निकालेंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे मंथ की एनर्जी आ जाएगी कि नहीं, और फिर उस जो एनर्जी आएगी 30 डेज की उसको 3 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल बिल आ जाएगा। ओके, सो पहली एनर्जी एक दिन की बात करूं, पर डे की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पावर 400 और टाइम कितना, 8 आवर्स। तो एनर्जी पर डे कितनी आई, 3200 वॉट आवर पर डे। ये वॉट आवर, ये 3200 जो यूनिट है ना वो पर दिन आ रही है, एक दिन में आपका कितना बिल आ रहा है, इतनी यूनिट आ रही है, सॉरी, ठीक है ना, सही। अब अगर इसी को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक महीने का यूनिट आ जाएगा, एक महीने की मेरी एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा कि एक महीना कितना एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है। सो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज वुड बी ई टोटल, मैंने बोला इसको ई टोटल कितना होगा, एनर्जी पर डे इंटू 30, एनर्जी पर डे कितना निकाला आपने, 3200 इंटू 30, सो कितना आया, 96,000 वॉट आवर। अब 96,000 वॉट आवर अपनी एनर्जी आ रही, ठीक है। अब इसको यूनिट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं आप, देखिए समझिए, ये 1000 लिखा है कि नहीं, 96 × 1000 लिख सकता हूँ उसको मैं, 96 × 1000 लिखा है, 1000 को क्या लिखते हैं, किलो, सो 96 किलोवाट आवर मैंने इसको लिख लिया, सही बात है। अब 1 किलोवाट आवर एनर्जी मतलब एक यूनिट, समझे कि नहीं। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी, रुपीज कितना दे रखा है, 3 रुपीज, मतलब एक किलोवाट आवर का कितना पैसा लग रहा है, 3 रुपये। तो 96 यूनिट का कितना होगा, 96 × 3, सो द कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 डेज इज 96 किलोवाट आवर × 3, सो 288 रुपीज हमारा उस रेफ्रिजरेटर का एक महीने का बिल आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज करवाया है, ठीक है। जैसा आपको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, वो आपके लिए सफिशियंट है, आपको इसके ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एलोबरेट करके ही बुक से लिखा है। क्यों मैंने बुक से लिखा है, इसलिए क्योंकि बोर्ड के अंदर बुक की लैंग्वेज ज़्यादा प्रीफर की जाती है, इसलिए हम बुक से ही, मैं बुक से पढ़ाना आपको पहले प्रीफर करूंगा, बाद में आपकी हैबिट बन जाए। ओके, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पहला है, इसमें बोला है कि एक रेजिस्टेंस वायर है आर का, उसको 5 इक्वल पार्ट के अंदर तोड़ दिया गया और फिर क्या किया, उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है, तो रेजिस्टेंस पूछा है और उस दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेना है। देखिए, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश देन फाइंड रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश, ठीक है। आर रेजिस्टेंस का एक वायर था, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो पहले तो बताइए ईच इक्वल पार्ट की वैल्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, R/5, ये तो क्लियर है ना। अब उन R/5 के 5 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा लेना, जैसे लगता है पैरेलल के अंदर,
अब इसका तो पहले ही रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आर दे रखा है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, जिसको इसने क्या बोला है, आर डैश बोला है, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर है? सो आर तो पहले से पढ़ा है, आर डैश की बात करें, 1/r'। अब देखिए पैरेलल के अंदर एक कॉम्बिनेशन है, तो 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, r' इज इक्वल टू 1/r/5। ध्यान से लिखना बेटा, r/5 एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आप डायरेक्ट 5 को ऊपर मत ठोक देना, समझे। r/5 लिखा है मतलब क्या लिखा है, 1/r/5, ठीक है। तो 1/r' इज इक्वल टू 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5, सभी लिख लिया। अब रेशियो है तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1/r' इज इक्वल टू 5/r प्लस 5/r 5 टाइम्स हो जाएगा। एलसीएम लेंगे नीचे आ रहेगा, ऊपर 25 आएगा। 1/r' इज इक्वल टू 25/r, r' कितना हो जाएगा, r/25। अब r' आ गया r/25, तो r/r' कितना हो जाएगा, r/r' की वैल्यू रखेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। ये रेशियो है बेटा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, यहाँ ओमर लिख देना पीछे, ओम नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी रेशियो की यूनिट नहीं होती है, किसी भी इक्वल क्वांटिटी की रेशियो की यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, यूनिट भी क्या है, ओम, और इसकी यूनिट भी क्या है, ओम, ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो किसी भी सिमिलर क्वांटिटी की रेशियो की यूनिट नहीं होती है, वो यूनिटलेस होता है। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज के, और आपसे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं आप लोग प्लीज उनको ट्राई कीजिएगा, डाउट है तो व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।